हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.foryou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू के बारे में। मतलब हम एक ऐसा यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाएंगे जो कि यूज़र से एक आर्गुमेंट्स लेगा और यूज़र को एक वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब अगर उस फंक्शन को कॉल किया जाए तो जो कॉलिंग फंक्शन होगा उससे एक आर्गुमेंट्स भी लेगा या और उसको एक रिटर्न वैल्यू करेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए एक ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो कि जिसको एक नंबर दिया जाए तो उस नंबर का वो स्क्वायर हमको रिटर्न करता है। तो उसको हम कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर होगा, तो इंट। मान लीजिए फंक्शन का नाम एसक्यूआर रख रहे थे एसक्यूआर, और चूंकि एक इंटीजर आर्गुमेंट्स की इसको जरूरत पड़ेगी इसलिए अंदर में मैं लिख रहा हूँ इंट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि फंक्शन का नाम एसक्यूआर है, आर्गुमेंट्स में लिखा गया इंट, मतलब एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट्स इसको केस की जरूरत पड़ेगी, और इंट यहाँ पर लिखा गया रिटर्न है, मतलब ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इसको समझने के लिए, जहाँ हम एसक्यूआर नाम का फंक्शन बनाएंगे। कॉलिंग फंक्शन इसको एक नंबर देगा और ये उस कॉलिंग फंक्शन को उस नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेगा। यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जो इस फंक्शन को कॉल करता है, जबकि ये कॉल्ड फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम हेडर फाइल से। सबसे पहले हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। इसी तरीके से हैज इंक्लूड कोन्यू डॉट एच। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा, जिस फंक्शन को हमें यूज़ करना है, बाद में उसको डिफाइन करेंगे बाद में, पहले यहाँ डिक्लेयर करेंगे। तो फंक्शन को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट एस क्यू आर, जैसा कि मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, और इंट। तो ये फंक्शन का नाम है एस क्यू आर, इसमें एक आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का पास किया जाएगा और ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से, इंट मेन। अब सबसे पहले हमको ये तय करना होगा कि इस प्रोग्राम में हमको कितने वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूज़र द्वारा एक नंबर लिया जाएगा जिसको हमको फंक्शन को देना होगा और फंक्शन हमको उसका आंसर रिटर्न करेगा, मतलब उस नंबर का स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो वेरिएबल बनाते हैं इंट नंबर, साथ ही जब वो वैल्यू जब इस नंबर को पास किया जाएगा तो फंक्शन हमको इसका आंसर रिटर्न करेगा स्क्वायर। तो उसके लिए एक वेरिएबल मैं बना रहा हूँ ए एन एस। तो ये दो इंटीजर वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाए। स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। सबसे पहले यूजर को एक मैसेज देते हैं ताकि वो एक नंबर एंटर करे, एंटर अ नंबर। ये हो गया स्टेटमेंट सी आउट। अब उस नंबर को हम किस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, उसको सी इन स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं। तो हमने वेरिएबल बनाया हुआ है नंबर, ये हो गया सी इन स्टेटमेंट। यहाँ पर यूजर द्वारा एंटर किया गया नंबर नंबर नाम के वेरिएबल पर स्टोर हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें फंक्शन को कॉल करना है जहाँ पर हम इस नंबर को एज आर्गुमेंट पास करेंगे और फंक्शन हमको एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि हम इसका आंसर होगा, मतलब इस नंबर का स्क्वायर होगा। तो चूंकि फंक्शन रिटर्न एन आर्गुमेंट्स के लिए यूज़ किया जा रहा है, मतलब इसमें आर्गुमेंट भी पास किया जाएगा, इसके द्वारा वैल्यू भी रिटर्न होगी, तो उसको कॉल कुछ इस तरीके से किया जाएगा। रिटर्न वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है ए एन एस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन एस, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, इज इक्वल, फंक्शन का नाम है एस क्यू आर, एस क्यू आर, और जो इसको आर्गुमेंट हम पास करेंगे हमारे पास वेरिएबल है नंबर एन ओ। तो इस तरीके से फंक्शन को इस लाइन पे कॉल किया गया। आप देख पाएंगे स्क्वायर फंक्शन को हमने नंबर नाम नंबर वेरिएबल एज आर्गुमेंट पास किया है। इस आर्गुमेंट्स को लेने के बाद जो भी हम कोड लिखेंगे, जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे कोड में जो भी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो भी रिजल्ट रिटर्न होगा जो कि इंटीजर होगा वो ए एन एस वेरिएबल पर स्टोर होगा। अब हम यहाँ पर ए एन एस को प्रिंट कराएंगे स्क्रीन पर ताकि उसका आंसर हम देख सके। तो क्योंकि ये स्क्वायर के लिए प्रोग्राम है तो सी आउट स्क्वायर ऑफ,
अब यहाँ पर देखिए ये मैसेज मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन पे स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ पर किसका स्क्वायर है उस नंबर को प्रिंट कराना है, तो ये नंबर नाम का वेरिएबल जो कि यूजर द्वारा दिया गया उसका स्क्वायर है, तो फिर से लगाएंगे ऑपरेटर, उसके बाद स्क्वायर ऑफ, उसके सामने वो नंबर प्रिंट होगा जिसका स्क्वायर प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद फिर स्ट्रिंग होगा इज, और उसके बाद लास्ट में जो आंसर होगा वो, तो स्क्वायर ऑफ मान लीजिए 5 दिया है, 5 इज, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वेरिएबल होगा ए एन एस। इस तरीके से सी आउट में हमने मैसेज प्रिंट किया स्क्वायर ऑफ कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर ये है जो कि आंसर पे है, और ये क्लोज, लास्ट में गेट सी एच और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे, रिटर्न 0 और यहाँ पर मेन फंक्शन क्लोज। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे अभी आपका सबसे पहले तो फंक्शन को डिक्लेयर किया गया, फिर मेन में फंक्शन को कॉल किया गया, यहाँ पर यूजर द्वारा एक नंबर लिया जाएगा और फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास किया जाएगा और उससे रिटर्न होने वाली वैल्यू को स्क्रीन पर यहाँ पर प्रिंट कराया गया है। लेकिन अभी एक पार्ट बचा हुआ है फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब फंक्शन को जब ये आर्गुमेंट जो कि वेरिएबल एन ओ यहाँ पर बनाया गया है पास किया जाएगा तो उस आर्गुमेंट के साथ वो क्या करेगा, मतलब किस टाइप से उसमें कोडिंग होगी, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन अभी बची हुई है। तो मैं प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा हूँ और इसके बाद फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ कि फंक्शन के अंदर कोड क्या होगा दिए गए नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो प्रोग्राम कंटिन्यू है, अब फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन को डिफाइन करते समय वैसा ही लिखेंगे जैसा डिक्लेयर करते समय लिखा गया था, इंट sqr। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम आर्गुमेंट की बात करते हैं तो जब डिक्लेयर किया गया था केवल आर्गुमेंट का टाइप लिखा गया था कि आर्गुमेंट का टाइप होगा इंटीजर, लेकिन जब हम यहाँ पर डिक्लेयर किया गया था तब वहाँ पर लिखा गया था int, यानी कि आर्गुमेंट का टाइप इंटीजर होगा, वो भी एक आर्गुमेंट होगा। लेकिन जब हम डिफाइन करते हैं तो हमको उसके साथ उसके वेरिएबल का नाम भी लिखना होता है, जैसे इंट और मैंने वेरिएबल का नाम लिखा एक्स। तो पहले भी मैंने बताया है कि जहाँ पर हम रियल आर्गुमेंट पास करते हैं वो होता है एक्चुअल आर्गुमेंट, जैसे हमने वहाँ पर फंक्शन को कॉल करते समय, जहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते समय आर्गुमेंट पास करते हैं उसे बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। जैसा कि हमने फंक्शन को वहाँ पे कॉल किया था और sqr के अंदर लिखा था no वेरिएबल का नाम, वो एक्चुअल आर्गुमेंट है। तो एक्चुअल आर्गुमेंट का जो वैल्यू होती है वो फॉर्मल आर्गुमेंट पे कॉपी होती है, यहाँ पर x फॉर्मल आर्गुमेंट है, तो जो भी वैल्यू वहाँ से पास होगी एज आर्गुमेंट यहाँ x पर स्टोर होगी, जिसका यूज हम यहाँ फंक्शन डिफिनेशन में कर सकते हैं। तो वहाँ अगर वैल्यू 5 होगी तो वो वैल्यू यहाँ x पर होगी। तब इसका स्क्वायर निकालते हैं हम, तो स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर रिटर्न करेगा, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो इस नंबर का स्क्वायर होगा। तो बहुत सिंपल है, रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं सीधे हम, रिटर्न x इंटू एक्स और यहाँ पर ये क्लोज। तो फंक्शन डेफिनेशन जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही छोटा सा है, यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करते समय फॉर्मल आर्गुमेंट x लिखा गया जहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट की वैल्यू कॉपी होगी, और रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया गया रिटर्न और अंदर लिखा गया x इंटू एक्स, मतलब जो भी वैल्यू वहाँ से एज आर्गुमेंट यहाँ पर पास की गई है वो इंटू होगा, मतलब स्क्वायर रूट निकलेगा उसका और यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट द्वारा रिटर्न हो जाएगा। और जहाँ कॉल किया गया है वहाँ पर ans इज इक्वल, यानी वेरिएबल का नाम लिखा गया है वो वहाँ ans वेरिएबल पर स्टोर होगा, और आगे फिर वहाँ पर मेन के अंदर उसको प्रिंट कराया गया है कि स्क्वायर ऑफ नंबर इज ans। तो इस तरीके से आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि एक फंक्शन जो कि रिटर्न भी करता है और आर्गुमेंट भी पास किया जा सकता है, कैसे हम उसका यूज़ प्रोग्राम में कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंपल एग्जांपल से आपको इस कैटेगरी को समझाया, आगे हम जैसे जैसे प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे इन जो जो कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं और एक सिंपल एग्जांपल पढ़ रहे हैं उन कैटेगरी से रिलेटेड और भी प्रोग्राम हम देखेंगे, ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो सके कि इसका यूज हम प्रोग्राम में कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytouchforyou.com पर लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।